नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं सर डॉक्टर किरण यादव और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक है, सो लेट अस सपोज वी हैव अ वेक्टर ए एंड केज द स्केलर एंड वी वांट टू मल्टीप्लाई दिस वेक्टर विद दिस स्केलर के। ओके, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, के मल्टीप्लाई ए और ए मल्टीप्लाई के, दोनों उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। जो नॉर्मल प्रोसेस, जैसे जिस नॉर्मल प्रोसेस से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं वैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा, ये जो टोटल आंसर है के इनटू वेक्टर ए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसका मैग्नीट्यूड होगा के मैग्नीट्यूड के इक्वल मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, के और ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास के इंटू वेक्टर ए, जो कि एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका मतलब के टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड इसकी डायरेक्शन होगी उस वो आइदर ए के सेम होगी और ए के ऑपोजिट होगी। ठीक है, अगर के पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में ही होगी और अगर नेगेटिव है के की वैल्यू तो डायरेक्शन ए की डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी। ठीक है, ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास दो स्केलर्स हैं एम और एन, जिनको हमें वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर ए को पहले एन से मल्टीप्लाई करें देन एम से करें, फर्स्ट केस ये है। सेकंड केस है हम एम और एन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें पहले और देन वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करें। थर्ड केस है एक जिसमें हम पहले वेक्टर ए को एम से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद एन से मल्टीप्लाई करते हैं। इन तीनों केसेस में जो आंसर आएगा वो सेम होगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से रिलेटेड है। इफ़ वी हैव टू स्केलर्स एम एंड एन एंड देन वी सम अप बोथ द स्केलर्स, दैट इज वी कैलकुलेट एम प्लस एन एंड वी मल्टीप्लाई देयर सम विद द वेक्टर ए, देन द आंसर ऑब्टेन्ड विल बी इक्वल टू एम इंटू वेक्टर ए प्लस एन इंटू वेक्टर ए। ठीक है, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक जनरल फॉर्म है जिसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर फॉलो करता है। ठीक है, ये है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। ये फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही के लिए ही लिखा है, बट इस पर क्या है, हमारे पास स्केलर एक है और दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, हमें उसी स्केलर को दोनों वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करें, अगर हम दोनों वेक्टर्स का सम ले लें और उसको एम से मल्टीप्लाई करें, एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, या फिर हम दोनों वेक्टर्स को इंडिविजुअली एम से मल्टीप्लाई करें, जैसे ए को पहले एम से मल्टीप्लाई किया और बी को अलग से एम से मल्टीप्लाई किया और दोनों को सम कर दें, तो दोनों केसेस में जो आंसर आएगा वो सेम होगा। ठीक है, ये था आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। सिंपल है, ईजी, जो नॉर्मल मैथड है मल्टीप्लिकेशन का वैसे ही करना है। अब हम पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर आई जे के कैप के बारे में, या ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स भी बोला जाता है इसे। ठीक है, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसमें थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हर एक डायरेक्शन, तीनों जो डायरेक्शन हैं तीनों डिफरेंट हैं, तो उस हर एक डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर असाइन किया हुआ होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर हमें पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास तीन डिफरेंट डायरेक्शन है, तीनों डायरेक्शन को पता करने के लिए कि कौन सा किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीन यूनिट वेक्टर हैं जो कि तीनों डायरेक्शन के लिए असाइन है। तो आई कैप यूनिट वेक्टर है वो ओ एक्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है,
जे कैप जो यूनिट वेक्टर है वो वाई की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड के कैप जो यूनिट वेक्टर है वो जेड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। इससे नेक्स्ट जो है टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।